तो राम राम दोस्तों, कैसे आप लोग। मुझे लगता है एकदम झकास में गाइस, मैं फिर आप लोगों के लेकर आ चुका हूँ पतंग और मांझे की वीडियो, जो कि इंदौर का सबसे फेवरेट मार्केट है, वो सबसे सुप्रसिद्ध मार्केट है। तो गाइस ये काची मोहल्ला, मेवाती मोहल्ला कहते हैं इसे, और यहाँ पर अभी मैं आ चुका हूँ। सुबह सुबह का समय हो रहा है और सारी दुकानें लग चुकी है और एकदम माहौल एकदम बिंदास हो रहा है। बहुत ज़्यादा ही, मतलब इस बार भी पतंग बहुत ज़्यादा ही उड़ेगी। सुबह सुबह का माहौल और सुबह सुबह सारी दुकानें सज रही है और लग चुकी है, ठीक है। और अभी टाइम हो रहा है गाइस 11 बज रही है और अपन अभी आए हैं एकदम फर्स्ट दुकान पर। यहाँ की मतलब वीडियो बनाएंगे, रेट वगैरह पूछेंगे, ठीक है, और अपने यूट्यूब की तरफ से आएंगे तो आप लोगों को थोड़ा बहुत मार्जिन मिल जाएगा। मोदी मिशन 2024, जय जय श्री राम। तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं बाकायदा, और ये बैठे हैं मैम। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। 2022 में बनी थी मैंने आपकी वीडियो, है ना। हाँ। अब 2024 में बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप है ना अच्छे सस्ते रेट बताइएगा और पतंग भी बहुत अच्छी बताइएगा। पतंग देखिए, सबसे पहले अपने पास ये पन्नी का सबसे बड़ा पतंग है। पन्नी का सबसे बड़ा पतंग है ये, ठीक है। ये पन्नी का कौन सा, इसका नाम कुछ होता है क्या? नॉर्मल पतंग, ठीक है। फिर ये किड्स के लिए भी अपने पास में, बच्चों के लिए, हाँ, बेबी डॉल वगैरह की भी है। झालर पतंग है ना ये? जी हाँ, ये हाँ, डिस्प्ले के लिए भी यूज करते हैं और उड़ाने में भी यूज होती है। और एक पन्नी का सैंपल मेरे पास में ये भी है, जो कि कागज में भी आता है चांद तारा के नाम से। चांद तारा पतंग पन्नी में भी निकाल जाती है, ज्यादातर बच्चे पन्नियों की पतंग उड़ाने का शौक रखते हैं। और फिर आप इन्हें तो पहचानते ही होंगे। हाँ हाँ, प्रधानमंत्री देश जापान रह रहे अपने मोदी जी। जी जी, मोदी मिशन 2024। जी हाँ। फिर इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ, ये मैदानी पतंग है, ये जो टूर्नामेंट वगैरह चलते होते हैं। हाँ, ये रामपुर से बनकर जाता है, यहाँ का ओरिजिनल पतंग है, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल पतंग है रामपुर का। हाँ। ठीक है, इसे मैदानी पतंग भी कहते हैं। हाँ, ये वहाँ का पतंग है। जी। और ये जो है ये अपने इंदौर का पतंग है। ये इंदौर का पतंग है। इंदौर के पतंग पे सील वगैरह नहीं आती है? लोकल होता ना अपने यहाँ पे जो बनता है, अगर यहाँ से अगर भारी स्पोर्ट होता है तो इंदौर की सील लगती है। अच्छा, ऐसा अभी लोकल में चल रहा है तो ये यहीं पर ही रहेगा। अच्छा, ये स्टार पतंग जो ये बाहर का होता है उसमें सील लगती है। हाँ, इसको 34 बोलते हैं। 34। हाँ, ये व्हाइट वाला 34 साइज का, 34 साइज है। कौन सा? ये चिलबाज पोना पतंग, ये 34 से छोटा आता है। 34 से छोटा पोना बोलते हैं ना इसको। ये जयपुरी पतंग है। जयपुरी में और भी डिजाइन वगैरह होती है ना? बहुत सारी डिजाइन है, इसको गिलास भी बोलते हैं। गिलास भी बोलते हैं, लड्डू बाज, गिलास, जयपुरी में बहुत सारी मतलब बोलते हैं। नॉर्मली में नॉर्मल ज्यादा सेल, सबसे ज्यादा सेल मेरे पास में ये वाला पतंग होता है। सबसे ज्यादा सेल यही होता है, तीन वाला पतंग। इसमें मेरे पास में बहुत सारी वैरायटी, इसमें एक ये सर्कल वाला है। जी जी जी। और एक ये पतंग है, क्या बात है, आसमान में जाकर के देखिए कि मुझे किसे काटना है। आइस बनी हुई है, आइस बनी हुई है, आसमान में देखेगा मैं। हाँ, किसको उड़ाना है। और एक ये ब्लैक चील, छोटी चील, इसमें बड़ी भी आती है। सबसे ज्यादा सेल ब्लैक वाला होता है। सबसे ज्यादा 13 तारीख को मेरा पे पूरा डिस्प्ले ब्लैक का ही रखती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा सेल होती है मेरी चॉइस ही ब्लैक। अच्छा, चलो गाइस, ब्लैक फेवरेट ब्लैक है, तो आ जाइए लेने। आप बकायदा रेट वगैरह अपन जानते हैं। और ये कौन सी तितली वाली? ये बटरफ्लाई, बटरफ्लाई ये भी तीन वाला पतंग है। तीन वाला पतंग है। हाँ। इस... और एक कानबाज आप देखो जो ऊपर लगा हुआ, ये भी फोना के अंदर ही आता है, इसे कानबाज बोलते हैं। इसे कानबाज बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने अभी जो ये चाइना जो डोर पे बैंड लगा है, लेकिन हाँ, पतंग तो सबको उड़ानी है। हाँ, और चाइना मिल नहीं रही है, तो इसीलिए इस बार है ना अपने मोदी जी ने ये थ्रेड निकाला, कॉटन थ्रेड, न्यू इंडिया। हाँ, न्यू इंडिया के नाम से, तो सबसे ज्यादा अभी यही सेल हो रहा है। और पब्लिक से और जितनी भी जनता है उनसे मेरा निवेदन है कि आप कॉटन थ्रेड ही उड़ाओ, ताकि सबको आदत हो जाएगी और इससे किसी को भी नुकसान नहीं, क्योंकि बाकी डोरों से पक्षियों को भी नुकसान हो रहा है, व्यक्तियों को भी हो रहा है जो ड्राइव करते हैं, उन लोगों को भी हो रहा है। तो सबसे निवेदन है और मोदी जी से स्पेशल निवेदन है मेरा कि आप चाइना को बैंड कर दीजिए, उस पर जहाँ जिस कंपनी में बनता है उसको आप क्लोज कर दीजिए, क्योंकि वहाँ से एक्सपोर्ट नहीं होगा, पब्लिक तक आएगी नहीं, पब्लिक बेचेगी नहीं और
ऑडियंस खरीदेगी नहीं। हाँ, तो प्लीज इसे बंद कर दीजिए और ये न्यू इंडिया ही चले। पर मुझे काफी लोगों का कमेंट आया था कि यार अगर चाइना वो क्या बोलते मोनोकाइट अगर बंद हो गई तो पतंग उड़ाने वाले लवर कम हो जाएंगे। लेकिन आप मेरी बात सुनिए, आज से 10-20 साल पहले या 10 साल पहले भी देखना पड़े या 20 साल पहले, उस वक्त चाइना नहीं थी लेकिन क्रेज तब भी उतना ही था। आज भी उतना ही है। अगर कोई चीज आएगी नहीं तो उड़ाना इसी से उड़ाना पड़ेगा ना। हाँ, वो तो फिर इसी से उड़ाएंगे। लेकिन जीव की हत्या हो रही तो उसका तो अपने पे फिर लगेगा ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो अपने को लगना है जी बिल्कुल। सबसे निवेदन है कि चाइना ना उड़ाएंगे नहीं तो बिकेगी नहीं, तो कॉटन फिर उड़ाएगी सबसे। तो दोस्तों मैं भी निवेदन करता हूँ तो कि चाइना को पूरी तरीके से बैन हो जाए, मोनोकाइट धागा पूरी बैन हो जाए और अपना सिर्फ और सिर्फ कॉटन चले। न्यू इंडिया मिशन बस इसी धागा से उड़ाते रहिए। तो चलिए अपन रेट क्या है इसको, मैं 30 का सेल करती हूँ। और अगर थोक में लेंगे तो फिर थोक का भाव 500 रुपए रेट लगेगा। 500 रुपए का सो है ना, ये 30 रुपए की 5 मिलती है। और ये 40 के चार है, इसका 850 रुपए रेट है। 40 रुपए की चार खरीदते हैं तो 800 रुपए। अच्छा, मतलब थोक में मैं कम कर दूंगी। हाँ, और ये अपना बताइए, ये 34 का पतंग, ये 1200 रुपए हजार है। 1200 रुपए का हजार पतंग, थोक का भाव बता रहे हैं। थोक का भाव तो सबसे ज्यादा। और अभी अगर 4-5 लेते हैं तो, 4-5 अगर आप एक पंजा खरीदेंगे तो मैं आपको 60 का दूंगी। 60 रुपए का? हाँ। अच्छा, मुझे सिर्फ 4 रुपए ही मिलना है एक पंजे पे। एक पंजे पे मतलब ये 56 रुपए का एक आपको पड़ा। और ये अपना रामपुरी, रामपुरी चार है, ये 50 रुपए की चार पतंग। इसमें एक चीज ये है, जो रामपुरी पतंग होता है और अपने यहाँ का जो पतंग होता है ये नॉर्मली इसमें 5 ही आती है, क्योंकि पंजे अपने यहाँ से पंजे के नाम से बिकता है। और जो रामपुरी होता है ये चौके वहाँ पे चौका ही चलता है, मतलब जो काउंटिंग होती है पतंग की वो 4 से होती है। वो 4 से ही होती है। आप एक पंजा लो या 1000 पतंग लो उसमें 4 ही आएंगी, और इसमें आप एक लो या 1000 लो इसमें 5 ही पतंग आएंगी। अच्छा, दोनों में बस सिर्फ एक एक पतंग का अंतर है। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैदानी पतंग क्या बताया आपने रेट, 50 रुपए के चार, 50 के चार, और ये 40 के चार, वो 40 के चार। अच्छा ठीक है, और पन्नी वाली पतंग, पन्नी वाली पतंग में ना बोल रहे हैं, ये 25 रुपए पंजा, ये 25 रुपए की 5 मोदी मिशन, और ये भी 25 की 5, ये भी 25 की 5, और ये 30 के 5 की, इसमें थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया अपन ने, ये 30 रुपए की 5 है। अच्छा, और ये अपने 50 के चार, ये 50 रुपए की 4 पतंग है। और ये मिनी पतंग भी मेरे पास है। मिनी पतंग क्या प्राइस है? ये 25 के 5 मिलते हैं। 25 के 5 बहुत महंगा क्यों है? ये छोटी पतंग, सबसे छोटा, इसमें सबसे ज्यादा आप लोगों को मेहनत लगती है। अच्छा, और इसी का पैकेट आता है वो 350 का आएगा, उसमें 100 पतंग आएगी। 350 का मतलब 350 रुपए की 100 पतंग मिलेगी। ये वाला पैकेट वो जो रखा हुआ है, ये वाला पैकेट जो रखा हुआ है, ये 350 रुपए का 100 आएगा। ये अक्सर लोग संक्रांति बोलते हैं तो उस वक्त गिफ्ट करते हैं, सजाने के भी काम आती है ये पतंग, है ना। और रेगुलर पतंग में, रेगुलर पतंग में सबसे ज्यादा यही सेल होता है, चौकड़ी, चौकड़ी आग बाज रही है। अच्छा, ये आग वाली पतंग। हाँ। इसका क्या प्राइस है? ये 30 का सेल करती हूँ मैं, थोक में लेते तो 25 का, थोक में लेते तो 25 का। ठीक है, और हमारे अगर यूट्यूब चैनल को देखकर अगर आते हैं तो क्या डिस्काउंट होगा? वो क्वांटिटी के हिसाब से कर दूंगी मैं। अच्छा, क्वांटिटी नहीं, कोई अगर 5 भी खरीदने आता है तो मैं उसको 3 रुपए कम कर दूंगी, 3-5 रुपए कम ही कर देंगे। ठीक है, कौन सी सबसे क्यूट पतंग हमारी शॉप पास? सबसे छोटा पतंग, वाह क्या बात है, ये गिफ्ट के लिए काफी अच्छा है, पूजा में भी काम आती है। इसको पूजा में भी रखते हैं और अपन किसी के यहाँ पर जाते हैं की संक्रांति, जी जी जी, अपन इसको गिफ्ट करके ये इससे सम्मान करते हैं, मतलब। तो इसका प्राइस क्या है? इसका 25 25 रुपए की एक, 25 रुपए की एक, बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया रेट? नहीं, लेकिन जितनी छोटी चीज होती है वो उतनी कॉस्टली भी इसलिए होती है क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। अच्छा, तो वैसे पतंग 5 बना पाएगा ना? हाँ, वो एक व्यक्ति उसको एक ही बनाएगा, एक ही बना पाएगा वो, जल्दी की कीमत है। क्या सही सही का, तो ये 25 रुपए की एक आएगी, पर ये इसमें चक्री भी आएगी, पतंग भी आएगी, बहुत ही अच्छी चीज है, गिफ्ट आइटम के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। और भी छोटी छोटी चक्रियां भी मेरे पास है। ये कौन सी पतंग है, क्या है ये? ये राधे जी। अरे क्या बात है, राधे राधे। ठीक है, ये गिफ्ट के लिए बहुत अच्छा, ये भी 25 की 5, ये सॉरी 25 रुपए की एक, वैसे ये भी 25 रुपए की एक। आप लोगों को लेना चाहते हैं बिल्कुल आ सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ का पता बता दीजिए। ये काची मुल्ला के नाम से मशहूर है। हाँ। इसको पहले मेवाती मुल्ला बोलते थे लेकिन अब काची मुल्ला के नाम से ही जाना जाता है ये। हाँ। नावेल्टी मार्केट के बैक साइड ही है, और काफी सारा रश रहता है यहाँ पे, 1 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक पूरी गली में रश रहता है,
और बहुत अच्छा मार्केट रहता है और काफी जगह से लोग आते हैं, काफी रश रहता है। अभी मार्केट कैसा चल रहा? अभी बढ़िया चल रहा है, अभी ऊपर वाले की कृपा से आज तो धूप निकल गई है, वरना 4-5 दिन से थोड़ा सा मौसम डाउन था, तो काफी जो बेचारे व्यापारी हैं वो थोड़ा सा नर्वस हो रहे थे। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप ऊपर वाले से उम्मीद बांध के रखें, आप कभी निराश ना होंगे। ठीक है। अच्छा, कोई अगर जैसे ये तो सीजन की बात रह गई, आउट सीजन में भी जैसे अलग अलग जगह पे अभी तो सब है ना शॉप के साथ उड़ाते हैं, लेकिन वैसे अदर्स दिनों में भी काफी लोग उड़ाते हैं। तो हमारी 5 से 6 दुकानें स्थाई है जहाँ से मतलब रेगुलर माल 12 महीने चलता है। अच्छा, तो यहाँ तो कोई ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहे उसके लिए मोबाइल नंबर 9753939498 मेवाती मोहल्ला, तो ये कभी भी आपको कॉल करके मतलब पतंग ले सकते हो ऑर्डर पे। दोस्तों, रामपुर की काफी सारी पतंग है ना, बहुत चलती मार्केट में, और मैदानी पतंग कहते हैं इसको, टूर्नामेंट में काफी मतलब इसी का ही उपयोग होता है। और रामपुर जाकर आए हैं ये, तो कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। तो अपना एक्सपीरियंस बताइए रामपुर का पतंग के मामलों में। वहाँ पर जो ये पतंग है मैदानी पतंग बोलते हैं इसको, और वहाँ पर यही पतंग चलती है, अपना MP में ये नहीं बनता है, वहीं पर ये माल बनता है, और वहीं से ही हम लोग ये माल लेके आते हैं। और काफ़ी हम लोगों को वहाँ पर जाके ये फ़ायदा मिला है कि वहाँ पर जो पतंग है वहाँ की जो क्वालिटी है वो फर्स्ट नंबर पर, इंडिया में फर्स्ट नंबर पर क्वालिटी आती है। रामपुर एक बरेली का जो पतंग होता है, तो मेरे पास सारा पतंग रामपुर बरेली से ही पतंग है। रामपुर मतलब बरेली बोलते हैं इस पतंग को भी? रामपुर से ही मेरे पास सारा सूत्र पतंग होता है और मैं वही सेल करती हूँ। अच्छा, रामपुर और बरेली के ही पतंग सेल करते हैं आप? जी। गाइस, आप यहाँ पर आ सकते हैं, जो वीडियो मतलब ये फर्स्ट शॉप पर ही है, ठीक है। अगर रामपुर की पतंग चाहते हैं बिल्कुल आ सकते हैं और ले सकते हैं। धागा वगैरह भी रामपुर के रहता है क्या? नहीं, वो तो वहाँ पर भी सेल होता है, वहाँ पे बरेली माझा जो कि अपने इंदौर में भी बनता है वहाँ पे भी बनता है ना, स्पेशल पतंग होता है रामपुर में। अच्छा, रामपुरी की फिनिशिंग के मामले में बहुत खूबसूरत पतंग है, बहुत अच्छा पतंग है ये, तो ऐसे इंदौर में नहीं बनता क्या? नहीं बनता है, ये वाला इंदौर में नहीं बनता है। ये वाला नहीं, ये वहीं बनता है, नहीं बनता ये वाला पतंग रामपुर का, और बरेली का पतंग जो है वो पूरा MP में नहीं बनता है, MP में नहीं बनता है, बस वहीं पर ही बनता है, स्पेशल वहीं से हमको बुलवाना पड़ता है ये वाला पतंग। तो गाइस, आप लोग अगर रामपुर जाना चाहते हैं रामपुर से भी जा सकते हैं, और आप लोगों को अगर इंदौर में रामपुर की पतंग चाहिए तो बकायदा आप संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ है, बकायदा आइए और लीजिए, है ना। तो गाइस आ सकते हैं बिल्कुल। अभी आपके हाथ में एक और चीज़ है। जी हाँ, आएगी छोटी सी चक्री मेरे पास है। क्या? इसको की में भी यूज कर सकते हो आप, चाबी का छल्ला डाल सकते हैं। हाँ, वो डाल सकते हैं अपन इसके। क्या प्राइस है इसका? इसका 10 रुपीज़। 10 रुपए का? तो गाइज ये 10 रुपए का मिल जाएगा आप लोगों को, कुछ भी चाहिए तो बिल्कुल आ सकते हैं गाइज। जैसे और ये जो मार्केट है यहाँ पे हर तरीके के व्यक्ति को अपने बजट के हिसाब से सारी चीजें मिल सकती है, सब संतुष्ट होके और खुश होके ही निकलते हैं यहाँ से। तो वैसे तो गाइज बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं बनाऊंगा, तो बहुत ढेर सारी पतंग है, आप लोगों को चाहिए तो बिल्कुल आ सकते हैं, ले सकते हैं, काशी मोहल्ला मेवाती मोहल्ला भी कहते हैं इसे। तो जल्दी जल्दी आइए फर्स्ट नंबर की शॉप में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अच्छा हो, शॉप का नाम क्या? मेरी दो शॉप है, एक S1 और एक S2। अच्छा, S1 S2। तो गाइस S1 S2 में आ सकते हैं और ले सकते हैं, और अपने यूट्यूब के चैनल की तरफ से आएंगे तो आपको डिस्काउंट जरूर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखा, बाय।